जय भारत माता की, भारत माता की, कारगिल शहीद, कारगिल शहीद, कारगिल शहीद, भारत माता की। वो आगे किया हुआ है, तो आइए इस काम के लिए हम शुरुआत करते हैं। दिल पे हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमान से ऊंच तक क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को। तो इसी के साथ डिबेट के लिए राजकांग जो कार्यक्रम है उसके ऊपर है कि आज कारगिल विजय दिवस है, तो इस अवसर पर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी आशा है कि आप ध्यान पूर्वक सुने। जब से हमारे प्यारे भारतवर्ष को अंग्रेजों ने दो भागों में बांटा है, तब से हमारे भारत से निकले पाकिस्तान ने बार बार भारत को युद्ध से निकाल ललकार से। मजे की बात तो यह है कि भारत बार बार हारा नहीं है। अरे सुनो, हम उस देश के वासी हैं जिसने हर जगह प्यार और विजय गाथा दोहराई है। जब जब उलझा है पड़ोसी देश हमसे, जब जब उलझा है पड़ोसी देश हमसे, भारत के वीर योद्धाओं ने उनको धूल चटाई है। भारत के वीर योद्धाओं ने उनको धूल चटाई है। चाहे वो 65 का जंग हो या 71 का, या फिर आज के दिन हुआ 26 जुलाई 1999 का, दुनिया के इतिहास में भारत ने अपनी विजय गाथा को स्वर्ण अक्षरों से लिखा है। अरे याद करो उनको जो लौट कर वापिस ना आए, याद करो उनको जो लौट कर वापिस ना आए। ये पंक्ति उन वीरों की महानता और वीरता को दोहराती है। 26 जुलाई 1999 को भारत माता के वीर सपूतों ने इस लगातार 60 दिन तक कठिनाइयों और अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी जान की परवाह किए बिना कारगिल पर भारत विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सभी उनकी याद में है ताकि उनकी जो आत्मा है उनको शांति पहुंचे और उनके घर वालों को हौसला एवं उनको खुशी पहुंचे कि हमारे परिवार के कुछ सदस्य जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया है उनके लिए भी उनको भी कुछ सम्मान मिले। इसका काम किया है कि आज के दिन में इन्होंने अपने देश के उन शहीदों को याद करने के लिए ये प्रोग्राम रखा है। मेरे साथ आदरणीय कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया जी, आप लोगों ने आज इस दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देखिए, जिंदगी में बहुत कुछ होता है और खास करके जिस देश के हम वासी हैं, हमें अपने आप पे एक बहुत प्राउड होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए कि हमारा ही एक देश पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जिसके साथ माँ का शब्द जो है वो लगता है। चाहे हम माँ भारती बोलें या भारत माता बोलें, आप सभी भी जितने बच्चे भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, कभी भी जितने भी दुनिया के देश हैं उनके साथ कभी ये शब्द लग ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य सनातन है। धरती पे अगर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सत्य सनातन है, सत्य मीन्स सच है, ये कि सनातन ही सनातन है। और हम लोग तो बहुत खुश नसीब हैं कि आजादी के बाद भी पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारे साथ हिंदुस्तान के साथ बार बार युद्ध लड़ने की कोशिश की, चाहे 1962 का युद्ध हो जो चाइना के साथ हुआ, 65 का हो, 71 की लड़ाई हो, हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कारगिल युद्ध था और ये जो बाकी की लड़ाइयाँ थी, इनमें एक बहुत बड़ा अंतर था, क्योंकि जो बाकी की लड़ाइयाँ थी वो तकरीबन ग्राउंड लेवल पे हमने, हमारी आर्मी थी या जो भी दुश्मन की आर्मी थी वो उस तरीके से लड़ाई लड़ते थे। लेकिन कारगिल वार एक ऐसा ऐतिहासिक वार हुआ है पूरी दुनिया में जिसकी जितनी भी कल्पना की जाए तो बहुत मुश्किल है कि ऐसे युद्ध को हमारे देश के नौजवानों ने जीतना, उसके ऊपर फतेह पाना, ये बड़े गर्व की बात है। होना चाहिए कि 16,000-18,000 की फीट पे जो हाइट थी वहां पे दुश्मन बैठा हुआ था और हमारे जो फौजी थे, जो हमारे जवान थे, चाहे ऑफिसर थे, जेसीओस थे, चाहे जवान थे, उन्होंने नीचे से जाकर के पहाड़ों की चोटी के ऊपर जाकर के दुश्मन के जो है लड़ाके थे या जो दुश्मन के जो फौजी थे उनको वहां जाकर के हराया और जाकर के ये विजय दिवस जो है आज जहां से हम बैठे हुए हैं, इसके लिए इस लड़ाई में हमारे एक दो या कोई 100-200 नहीं, कम से कम 500 से भी ज्यादा
हमारे जवानों ने, ऑफिसरों ने, जेसीओस ने अपनी शहादत दी हुई है, अपने बहुमूल्य जिंदगी का बलिदान दिया है और तब जाकर के हमें ये आजादी मिली है। मातरम वंदे मातरम भारत के शहीद अमर रहे भारत के शहीद अमर रहे करगिल के शहीद अमर रहे करगिल के शहीद अमर रहे भाव जैसे धीर जो भी बच्चे बोल रहे हैं एक से एक भटकर जिनको देशभक्ति देश का प्रेम जिनके मन में कूट कूट कर भरा हुआ है ये कोई साधारण बात नहीं है। हम इस धरा के ऊपर आए हुए हैं लेकिन बड़े थोड़े लोग होते हैं जिनको इस प्रकार की सोच होती है। हमारे जैसे आरएसएस के भाई जिन्होंने पूरी डिटेल में बोला कि चार परमवीर चक्र एक ऐसा युद्ध था जिसमें पहले नहीं हुए इकट्ठे सेना मेडल 135 फलाना वो, तो मेरा कहने का भाव कि इन बच्चों को देखकर मन अति प्रसन्न होता है, खुशी मिलती है। सारी के मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हमारा प्रोग्राम कठुआ में भी था शहीदी चौक में, तो उधर इतनी बारिश थी सचमुच के हम अभी भी कपड़े देखो भीगे हुए हैं, तो ब्लू वो मेरे लिए कम होगा। हमारे सूबेदार साहब कप्तान साहब जो इधर के हैं और जो मेरे साथ आए हुए हैं, मेरे होनहार बड़े एक बुद्धि और अच्छी सोच रखने वाले आदरणीय प्रधान मनोज सिंह जी जो जिन्होंने मेरे पहले बोला है बैठे हुए हैं, हमारे कैप्टन सुखराम जी, लक्ष्मी भाई की उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, कोई वो 50 साल की नहीं थी, 40 साल की नहीं थी, मात्र उनकी उम्र उस वक्त 39 साल थी जब उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा युद्ध अंग्रेजों के साथ लड़ा। ये बेटियाँ ही करती हैं, बेटियाँ जी हमारी धरोहर हैं जी भी। जो भी हमारे स्वामी विवेकानंद हुए जिनकी आजू क्या थी, आजू को नहीं मापा जाता, मापा नहीं सकता कि आदमी राजा होगा, 39 वर्ष की आजू में उन्होंने इस देश के लिए क्या नहीं किया, इतना कुछ किया, अनगिनत उसका बखान करना हमारे लिए अति मुश्किल होगा। मतलब अगर चाइना है तो चाइना को हम मान ही बोलते हैं, पाकिस्तान को मान ही बोला सकता, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां हम एक किस कौन सा शब्द उच्चारण करते हैं, माँ। माँ से बड़ा कोई भी शब्द नहीं है, माँ से बड़ा कोई भी रिश्ता नहीं है, माँ से बड़ा कोई भी तीर्थ नहीं है जो हमारे इतिहास में है। तो आज बच्चों का उत्साह को देखते हुए मीडिया के माध्यम से जहाँ भी मेरी आवाज़ आती है, इस किस्म के बच्चे जिनके घरों में इन्होंने जन्म लिया है वो भाग्यशील है, माता पिता जिनको जिन्होंने इनको संस्कार दिए हैं। एक छोटा सा श्लोक है, दिन ना पछती नोलू का दिन को उल्लू नहीं देखता, रात्रों का ना पछती रात को कौवा नहीं देखता, संस्कारहीन मूर्खा ना दिन में पछते ना रात्रों पछते। वो मूर्ख बड़े आवेगशील होते हैं और वो बड़े भाग्यशील होते हैं जिनके घर में इस प्रकार की संतानें जन्म लेती हैं। हम भारतीय के हित में बात करते हैं, जो देश के लिए जिन्होंने देश के लिए इस किस्म का प्रण लिया हुआ है, ये आगे आए ताकि माँ भारती के आंचल को कोई बाहर का आदमी हाथ नहीं लगा पाए। जहाँ तक करगिल विजय का दिवस का सवाल है, ये एक साधारण लड़ाई नहीं थी, ये आम लड़ाई थी। मैं 65 की लड़ाई भी, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, मैं 65 की लड़ाई में भी रहा हूँ और 73 की में रहा हूँ। लड़ाई लड़ाई ही होती है, युद्ध युद्ध ही होता है, लेकिन जो करगिल जो विजय दिवस जिसको हम विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं, ये जैसे मेरे माननीय अध्यक्ष महोदय तालियों से सबसे पहले तो मैं श्री राम युवा संस्था की तरफ से जितने भी यहाँ पे अतिथि आए हुए थे कारगिल विजय दिवस के लिए यहाँ पे कठुआ से, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ताकि वो इतनी दूर से हमारे इधर प्रस्थान किया जिन्होंने इस स्पेशल मोमेंट के लिए, तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। और दूसरा मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लगातार 5 साल से
इस कारगिल विजय दिवस को मना रही है। हमारी टीम और भी बहुत सारे धार्मिक कार्य करती है। आज के जो कार्यक्रम है इससे मैंने एक चीज़ सीखी है कि एक तो अंदर से हौसला बहुत आया है कि किसी भी बुरे काम को हम नहीं होने देंगे आज के बाद गांव में, पहले भी नहीं होने देते पर आज के बाद कुछ और जो जोश है हमारे युवाओं में जागा है इस काम को लेकर कि कोई भी बुरा काम कोई भी गलत काम हम इस गांव में नहीं होने देंगे और उस हर चीज़ का बहिष्कार करेंगे। साथ ही इसमें मैं कुछ शब्द और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे जो जवान हैं ये सरहद पे तो दुश्मनों से लड़ सकते हैं पर अंदर के दुश्मनों से हम युवाओं को ही लड़ना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल जो नशा है वो बहुत दिन वे दिन बहुत बढ़ रहा है, युवाओं में नशे की लत जो है बहुत बढ़ती जा रही है। ये ही हमारा मेन जो दुश्मन है, जो मुख्य दुश्मन है हमारे देश का, जो अंदरूनी दुश्मन जिसे हम कह सकते हैं वो यही है। और नशा बेचने वाले दिन वे दिन अपने फायदे को बढ़ाने के लिए युवाओं को अपने शिकंजे में कसते जा रहे हैं। हमें ऐसे ही दुश्मनों का सामना करना है और इस देश को नशा मुक्त करके इस देश के अंदर के दुश्मनों को ख़त्म करना है। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय।